दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का स्तर धीरे धीरे फिर पैर पसारने लगा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मामूली बढ़ोतरी एयर क्वालिटी इंडेक्स में दर्ज की गई है और 211 का एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां कल दर्ज किया गया था वहीं 242 आज दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिसके कारण लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही अगर मैं धुंध की बात करूं तो धुंध भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा इंडिया गेट का नजारा। इंडिया गेट तक अगर आप देखते हैं तो दृश्यता में थोड़ी सी कमी आई है, कल के मुकाबले दृश्यता काफी घटी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धुंध में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण अगर मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो उसमें भी गिरावट आई है। साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा दूसरी ओर अगर राजपथ का नजारा दिखाना चाहूं तो काफी संख्या लोगों की घट चुकी है। अगर सुबह के वक्त है इस समय अगर देखा जाता था अमूमन काफी लोग देखने को मिलते थे लेकिन धुंध ज्यादा है, साथ ही प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर नाक में जलन सांस फूलन जैसी तमाम समस्याएं हैं लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर आए हैं, क्या मानते हैं आज प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा है तो धुंध भी बड़ी दिख रही है? हाँ जी, धुंध तो बड़ा हुआ है और पॉल्यूशन में थोड़ा सुधार लग रहा है हमें क्योंकि सांस देने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो जैसा समस्या थी वो नज़र नहीं आ रहा और हम आराम से आज एक्सरसाइज वगैरह भी करके मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर लोगों की संख्या की बात करें तो मॉर्निंग वॉक पर अगर कुछ बीते कुछ दिनों पहले की बात करें तो काफ़ी लोग दिखते थे लेकिन आज और दिनों के मुकाबले लोग काफ़ी कम दिख रहे हैं, क्या मानते हैं ऐसी? ये तो कह नहीं सकते, लोगों का अपना अपना काम भी हो सकता है या कोई आना चाहे कोई नहीं आना चाहता ऐसा ही है, लेकिन हमें तो संख्या उतना ही लग रहा है, थोड़ा बहुत कम है लेकिन संख्या हुई है, जितना लोग आते थे उतना ही दिखता मुझे तो। और बताएं घरों में क्या क्या परेशानी आती है प्रदूषण का स्तर क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा था तो घरों में बच्चों को भी परेशानी आती होंगी, आप लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक पर तो मास्क बांध कर आना पड़ता था, क्या क्या परेशानियों का सामना? जी घरों में भी दिक्कत आती है, बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत है, छोटे बच्चों के लिए और छोटे नहीं सभी के लिए दिक्कत है, जो बड़े हैं उनके लिए भी दिक्कत है, खास करके छोटों के लिए बहुत दिक्कत है, वो जो मास्क वास्क लगा के स्कूल जाते हैं और मैडम उन लोगों की स्कूल की वो लोग भी एडवाइस करते हैं कि आप मास्क लगाओ बाहर मत निकलो, लेकिन बच्चे मानने वाले तो है नहीं निकलेंगे, लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए भी दिक्कत है, हमारे बच्चे जो बड़े हैं वो भी कभी कभी फील करते हैं कि हाँ दिक्कत हो रही है सांस लेने में, जलन होती है गले में और हाथों में जलन होती है, लेकिन फिलहाल दो चार दिन से मुझे लग रहा है सुधार है अच्छा और लोगों को थोड़ा जला राहत तो है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और प्रदूषण से लगातार जो बड़े हैं बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। अगर मैं गुरुग्राम की ही स्थिति दिखाना चाहूं तो 252 का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि एक खराब स्थिति को दर्शाता है। साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी स्थिति बेहद ही खराब है, दिल्ली में भी 200 का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पार कर चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा अगर चांदनी चौक की ही बात करें तो 302 का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि एक खराब स्थिति को दर्शाता है। अगर दूसरे इलाके की बात करें 242 जो दिल्ली का पूरी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 242 है जिसमें PM2.5 के जो बारीक कण हैं उसकी मात्रा काफ़ी अधिक है, तो कहीं ना कहीं ये खराब स्थिति है। और इसी तरीके से VIP इलाका एक पूसा माना जाता है, मैं उसका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाना चाहूँगा, 228 का एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये भी एक खराब स्थिति को दिखाता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार देखने को मिल रहा था लेकिन जिस तरीके से ये मामूली जो बढ़ोतरी देखी गई है तो ये खराब स्थिति को दर्शा रही है। कैमरा पर्सन ललित के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।